हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ट विथ हेल्दी ट्विस्ट। आज मैं आपके साथ टू टाइप्स के रोल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, स्पाइसी एंड नॉन स्पाइसी, जो बहुत ही बेसिक सामान से बन जाएगी। ये रेसिपी बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होने वाली है, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसका डो बनाने के लिए मैंने 2 कप लिया है गेहूँ का आटा, आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच घी। सारी चीज़ों को एक बार मिक्स करते हैं। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका एक टाइट डो बना लेते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं। डो रेडी हो गया है, पानी पूरा यूज़ नहीं हुआ है, थोड़ा सा पानी बच गया है, इसलिए आप जब भी डो बनाएं तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें। इसके ऊपर से डालते हैं 1 चम्मच घी। घी डालने के बाद इसे थोड़ा सा और गूंद लेते हैं। एकदम से टाइट डो बनाना है। डो रेडी हो चुका है, इसे ढककर रख देते हैं, तब तक इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने लिया सरसों का तेल, बेसन, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, नींबू और अदरक लहसुन का पेस्ट। ड्राई मसालों में मैंने लिया है काला नमक, चाट मसाला, कस्तूरी मेथी, भुना हुआ जीरा और कश्मीरी मिर्च, पनीर और थोड़ा सा दही, 4 चम्मच दही लिया हुआ है। पैन गरम कर लिया, इसमें लेते हैं 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच सरसों का तेल। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं। बेसन अच्छे से भुन गया है, मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ। अब बेसन में ऐड करते हैं ड्राई मसाले। मैंने लिया हुआ है नमक, ये काला नमक है, ये मैंने 1/2 चम्मच लिया है, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी और 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। इसमें 1 चम्मच डालते हैं कश्मीरी मिर्च का पाउडर, ये तीखा नहीं होता है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम मैंने बंद की हुई है। इसमें डालते हैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी मिक्स करते हैं। मैंने अदरक लहसुन को 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें ऐड करते हैं दही। मैंने इसमें टोटल 4 चम्मच दही डाला हुआ है। ध्यान रखिएगा, मैंने गैस की फ्लेम को बंद किया हुआ है। दही को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें ऐड करते हैं अपनी सब्जियां, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और पनीर। मैंने सारी चीज़ों को रफली चॉप किया हुआ है। इसको एक बार मिक्स करते हैं और गैस को ऑन कर देते हैं। मैंने 3-4 मिनट के लिए सब्जियों को अच्छे से स्टर कर लिया। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम पानी डाला हुआ है। गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है। इसे 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रख देते हैं, जब तक इसका पानी ख़त्म नहीं हो जाता है। इसका पानी पूरा ख़त्म हो गया है, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। स्टफिंग रेडी हो चुकी है, स्टफिंग रेडी हो चुकी है, तो चलिए रोल के लिए बनाते हैं पराठा। डो में से पेड़े काट लेते हैं। मैंने इसके पेड़े काट लिए, तो चलिए रोल को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस पर आटे को डस्ट करते हैं और उसे बेलना स्टार्ट करते हैं। रोल के लिए मैंने बड़े साइज़ का पराठा बनाया हुआ है, क्योंकि हमें स्टफिंग भी इसके अंदर रखना है। पैन गर्म हो गया, तो चलिए पराठे को सेक लेते हैं।
ये एक साइड से सिक गया है, इसे टर्न कर देते हैं। अभी मैंने इसमें घी लगाया नहीं है, ये दूसरी साइड से भी सिक गया है, इसे टर्न करते हैं। इस पर लगाते हैं घी। इसे घी से अच्छे से कवर कर देते हैं। इसे पलट लेते हैं, दूसरी साइड से भी घी लगा लेते हैं। आप घी, बटर, ऑयल किसी में भी बना सकते हैं। मैंने पूरे पराठे पर अच्छे से घी लगा लिया है। पराठा अच्छे से सिक गया है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सारे पराठे बना लेते हैं। सारे पराठे तैयार हो गए हैं, तो चलिए रोल को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस पर लगाते हैं सबसे पहले बटर, इसके ऊपर लगाते हैं मेयोनीज़। ये होममेड मेयोनीज़ है, अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप बताएं। इसके ऊपर से लगाते हैं ग्रीन चटनी। इसके ऊपर से लगाते हैं स्टफिंग। इसके बाद ऐड करते हैं कटी हुई प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, इसके ऊपर से नींबू का रस। इसके बाद इसे फोल्ड करते हैं और ऊपर से लगाते हैं टूथपिक। हमारा स्पाइसी रोल बनकर तैयार है। इसके बाद बनाते हैं एक बच्चों के लिए रोल। इस पर लगाते हैं बटर, मेयोनीज़। ये रोल बच्चों को बहुत पसंद आता है, आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। इसके बाद डालते हैं केचप। इसे बच्चों को खिलाना नहीं पड़ता है, बच्चे अपने आप ही खा लेते हैं। इसके बाद ऐड करते हैं स्टफिंग। बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा कम स्टफिंग रखूंगी। इसके बाद डालते हैं नींबू का रस, कटा हुआ धनिया। अगर आपके बच्चे इसमें से किसी भी चीज़ को ना खाते हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। इसे मैंने फोल्ड कर दिया है, इस पर लगाते हैं टूथपिक। ये बच्चों के लिए रोल बनकर तैयार है। तो हमारे सुपर टेस्टी और हेल्दी रोल्स बनकर तैयार हैं। अगर आपको आज का रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएँ, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।